मैं इस वीडियो में आज आपको सिखाऊंगा फेसबुक एड्स किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए चले सीखते हैं इस वीडियो में किस तरह से फेसबुक एड्स डिज़ाइन किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं एड्स डिज़ाइन किया है, तो आगे चलते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट देख लेते हैं, किस तरह से इसका मेजरमेंट कितना पिक्सल में लेते हैं इसका साइज। तो आप चले हमारे साथ, फाइल में जाएंगे, न्यू कंट्रोल एन से न्यू में जाएंगे, या फिर नया प्रॉपर्टी पैनल ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसका साइज आप सेट करेंगे, इसके लिए पिक्सल में सेट करेंगे, इसके लिए साइज रखेंगे 1002 1200 1200 पिक्सल 2628 पिक्सल, ठीक है। और इसका रेजोल्यूशन 72 रखेंगे और इसका कलर आप रखेंगे 8 GB, ठीक है। तो इसके आगे आप क्रिएट पे क्लिक करें, यहाँ पर आपका एक्चुअल साइज मिल गया है एड्स के लिए। तो हमें इसमें इमेज ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम इमेज लेते हैं। तो हमने एक इमेज डाउनलोड किया है, इस इमेज को मैं ड्रैग करके मैं यहाँ पर फेसबुक में यहाँ पर आके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इस इमेज को यहाँ पर ला के छोड़ा, तो अकॉर्डिंग आप कितना आप रखना चाहते हैं आपके ऊपर है। तो मैं समझ रहा हूँ इतना सही है, मैं इतना रखना चाहूँगा, और इससे मैं इसे कर रहा हूँ, इसे टिक लगा रहा हूँ। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि इस इमेज में इसका जो कलर है बहुत डल सा दिख रहा है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ। तो यहाँ से लेवल पे चेक करता हूँ, और यहाँ से मैं स्लाइडर ला के मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम करेंगे, जैसे क्लिक कर रहा हूँ, पेन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका कीबोर्ड में आपका पेन टूल का कर्सर प्लस दिखाई देता है, तो इस केस में आपका कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, आपका अगर इस तरह के कोई भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आप कैप्स लॉक को चेक करेंगे, कैप्स लॉक तो ऑन नहीं है। तो यहाँ से मैं क्लिक करके इस तरह से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, और इसका जो सॉलिड कलर मैं कर रहा हूँ इस कलर से मैं इसे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी सिलेक्ट कर दिया, इसके आगे मैं फिर से एक नया लेयर ले रहा हूँ, और इसके आगे मैं इस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ, इस कलर को मैं चूज किया, कंट्रोल डी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे। इसके बाद तो हम इसके अंदर लिखेंगे हमारा मैसेज, जो भी लिखना चाहते हैं, चाहे तो इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टी टूल से टाइप टूल ओपन कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और इसका कलर जो फॉन्ट का कलर है मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से इसका मैं साइज में रख रहा हूँ, फॉन्ट का रख रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। बोल्ड रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ WWE वीकेंड सेल, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, और उसके आगे यहाँ से इसका कैरेक्टर पैनल ओपन होगा, यहाँ से आप चेक लगा के ऑटो को हटा के इसके अंदर में मिडिल सेंटर टेक्स्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, मैं इतना रख रहा हूँ वीकेंड सेल, और इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वीकेंड सेल, और मैं इसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। मैं समझ रहा इसको थोड़ा और बड़ा है, चौड़ा है, ओके, इतना सही है, ओके, इतना कर लिया। इसके बाद कैरेक्टर पैनल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसके आगे
में कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल सा शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर जितने सारे कलर है अकॉर्डिंग उससे इस कलर से आप कोशिश करेंगे डिज़ाइन का एक पैटर्न तैयार करने के लिए। इस तरह से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसके आगे कंट्रोल टी करके इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सही है, यहाँ पर मैंने रख लिया इसको और इसे मैं यस कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर डी से। हमेशा आप जब भी काम करेंगे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये सुविधा होगा कि जैसे आगे आप किसी भी लेयर पे काम कर रहे हैं तो उसके साथ इसका जो अटैचमेंट नहीं बनेगा। तो टाइप टूल ओपन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं फॉन्ट का कलर रखूँगा इस वाला कलर को, यहाँ से पिक कलर कर रहा हूँ। हम इसमें कलर पिक कर लिया और हम इसमें लिखेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन फाइबर, ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, हमने इसे डबल क्लिक स्टेक्स के ऊपर क्लिक करके मैं इसको सिलेक्शन बना लिया। इसके आगे मैं इसको ड्रैग करके टी टूल से ऐसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो उसके आगे मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ इसको, और मैं इसे बोर्ड से हटा के मैं मीडियम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट मिडिल अलाइन जो था सेंटर अलाइन, इसको मैं इस लेफ्ट अलाइन में कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं क्लिक करके ड्रैग करके मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। उल्टी से आप फिर से यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ और इसको अकॉर्डिंग आप ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करें या आप अपने कीबोर्ड में यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज छोटा करें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में फिट कर रहा है इसको, आप चाहे दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके और उसके यहाँ से एडजस्ट करके मिडिल पे सेट कर लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है, तो उसके आगे हम यहाँ पर छोटा टेक्स्ट लिखेंगे थोड़ा, जैसे वी कैन सेल किस चीज़ के कितने परसेंट छाड़ है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं कौन कलर चूज कर रहा हूँ, वाइट, और मैं इसका जो लाइट वर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ रोबोटो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 PT हमने इसको सिलेक्ट किया। जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ किया। और बड़ा बना लिया। ठीक है, इसके आगे आप फॉन्ट पे कलर चेंज करके व्हाइट रखेंगे, यहाँ पर हमने व्हाइट में बदल लिया। और कैरेक्टर पैनल को ओपन करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऑटो पे रख सकते हैं, उसके बाद आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसको मीडियम से हटा के मैं कर रहा हूँ लाइट। ठीक है, और मैं इसे कर रहा हूँ छोटा, बहुत ही छोटा करूँगा। इतना छोटा कर लिया, और इसके आगे मैं इसका इसका जो स्पेसिंग है इसके अंदर, मैं यहाँ से जैसे कैरेक्टर पैनल को ओपन करके यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा और घट जाए। ठीक है, ओके, मैं इसे कर रहा हूँ ओके यहाँ से, और मैं नहीं चाहता यहाँ पर इतना सारा टेक्स्ट लिखा रहे, तो यहाँ से मैं थोड़ा टेक्स्ट को हटा देता हूँ। अगर हमने हटा दिया तो फिर से मैं डबल क्लिक पर सिलेक्ट करता रहता सेंटर टेक्स्ट में कर रहा हूँ, तो ये मिडिल पे अभी है, तो मैं इसको हटा के यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके आगे हम और एक शेप लेंगे रेक्टेंगल टूल से, यहाँ से मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इसका कलर मैंने पिक किया, और यहाँ से हमने इस तरह का एक शेप ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ इसको कुछ सेंटर में हमें इस तरह से रख लिया। ठीक है, तो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे टी टूल से टाइप टूल ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट का साइज में कर रहा हूँ बोल्ड, और कलर में करूँगा करता है ब्लैक कलर। ठीक है, क्योंकि येलो कलर के ऊपर ब्लैक कलर ही हमेशा सूट करता है। ठीक है, कभी कई बार तो ऐसे मतलब हम बना लेते हैं, तो कर रहा हूँ यहाँ पर
मैं लिखूंगा शॉप, यहाँ पर टाइटल को सिलेक्ट कर ले डबल क्लिक करके शॉप नाम, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसका साइज थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हम, इतना सही है। और मदद से आप इसे इस तरह से छोटा और कर ले, इस तरह से और छोटा करेंगे, ऐसे 30 से मैं बड़ा मैं इसे कर रहा हूँ 727 तक हमने कर लिया। और इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, उस शेप हमने जो ड्रॉ किया था इसको शिफ्ट प्रेस के साथ हमने इसको ड्रॉ किया और सेंटर अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन हमने इस तरह से कर लिया है, ठीक है। तो इसके आगे हम एक फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एलिप्स लेंगे और इसका कलर मैं रखूँगा इस कलर में रख रहा हूँ। आपको ये जो कि शेप लेना पड़ेगा एलिप्स, आप शिफ्ट प्रेस करके लेंगे तो इक्वली गोल बनेगा, ठीक है। तो मैं इसे कर रहा हूँ ऑफ और कंट्रोल एंटर से मैं इसे डिसलेक्ट कर रहा हूँ। और आगे आप इसको आप पहले काम कर लें, यहाँ से आप मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। उसके बाद मैं एक नया लेयर ले रहा हूँ, उसके आगे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो मैं इसका कलर में रख रहा हूँ रेक्टेंगल का वाइट, ओके। और हमने इतना इसे तक ड्रॉ किया, करीब इतना ड्रॉ किया, आप इसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूँ और इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ प्रेस करके क्लिपिंग मास्क में बदल गया है, कंट्रोल एंटर डी सिलेक्ट। और अगर चाहे तो और छोटा थोड़ा और कर लूँ क्योंकि और सर लग रहा है, ओके। इतना सही है। और इसे मैं कर रहा हूँ टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टीटूल से टाइटल ओपन हो रहा है और इसके अंदर लिखूंगा 20% ऑफ। और मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर में रख रहा हूँ इस वाला कलर, और मैं इसको थोड़ा कैरेक्टर पैनल ओपन करके इसका जो साइज है ऊपर नीचे मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ, इसका साइज बढ़ रहा है देख सकते हैं आप। और इसके जो लंबाई है मैं थोड़ा इसे कम कर देता हूँ, यहाँ पर कितने परसेंट है 100% रेगुलर रहता है, यहाँ पर ऑन 28% है अभी, ठीक है। मैं इसे मैं मूव टूल की मदद से यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पर सेट हो गया है। और इसका जो फॉन्ट का साइज मैं यहाँ से बोल्ड से हटा के कर रहा हूँ ब्लैक, इसको मैं टिक लगा रहा हूँ 20% ऑफ। और इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ओके। 20% ऑफ यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट DISCOUNT, इस बार इसका कलर रखेंगे ब्लैक, जो कलर इससे पहले चूज किए थे इसको चूज करेंगे। और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे या ट्रांसफॉर्म करके भी आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसको फिट कर रहा हूँ, इन दोनों को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका जो अलाइन आप यहाँ से मिडिल पे कर दें, अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर कर लें, ठीक है। अभी इन दोनों को ठीक करने के बाद आप यहाँ से डिस्काउंट को 20% को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल के साथ यहाँ से इस वाले पर ठीक कर लें क्लिक करके, वाली इसके अंदर स्पेस बन जाए। तो इन सभी को अभी सिलेक्ट करके रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, उसके आगे जो भी शेप हमने ड्रॉ किया, ओके, इसको सिलेक्ट करके इसके साथ आपको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अभी ये मिडिल पे है,
अभी इसको सिलेक्ट करके, एलिप्स को सिलेक्ट करके अभी इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट के साथ, और उसके आगे डिस्काउंट को ऐसे अलाइन करेंगे। तो अभी आपका जो थंबनेल अभी छोटा देख रहा है, तो अभी हमें याद आया कि जैसे थंबनेल अगर बड़ा होता और अच्छा आपको समझने में ज़्यादा अच्छा होता, तो यहाँ से बड़ा कर लेते कि राइट क्लिक करके इसके ऊपर आके यहाँ पर लास्ट थंबनेल करेंगे, तो यहाँ पर बड़ा बड़ा थंबनेल आप देख सकते हैं। तो मैं क्या कहा कि जैसे हमने जिस सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमें अगर कोई भी चीज़ को अगर अलाइन करना है, इस चीज़ को आप समझे, जैसे हमारा कौन सा लेयर है, मैं यहाँ से ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। अगर मेरा सर्कल, इस सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, हमने ए वाला सर्कल इसको दर्शा रहा है, तो अगर आपका टेक्स्ट के साथ इसका जो मिडिल पे अगर अलाइन करना है, तो इसके लिए आप अगर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो पूरा ऑटोमेटिकली इसके आगे हमने जितना सारा लेयर लिया है वो ऑटोमेटिक वो सारे सिलेक्शन हो जाएगा, अकॉर्डिंग वो अलाइन होगा मिडिल पे। तो हमें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा इस वाला लेयर सिलेक्ट है और 20%, जैसे मैं बता दूँ आपको 20%, जैसे ऐसा समझे 20% यहाँ पर हट गया है, तो इसके साथ इसका जो एलिप्स है, एलिप्स के साथ इसका सेंटर अलाइन बने। तो इसके लिए आप जैसे एलिप्स का बटन कहाँ है, तो इसको 20% ऑलरेडी सिलेक्टेड है, समझे आप। इसके आप आगे आप अगर ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल प्रेस करके ऐसे क्लिक करेंगे, इन दोनों सिलेक्टेड हुआ है सिलेक्शन। अभी आप यहाँ पर मूव टूल के यहाँ पर आके देखेंगे प्रॉपर्टी पैनल के, यहाँ पर अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर करेंगे, तो एक्चुअल यहाँ पर मिडिल पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे, तो अभी मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट यहाँ को, यहाँ से और शिफ्ट के साथ प्रेस करके ग्रुप कर रहे हैं कंट्रोल जी, और मैं इसको नाम रख रहा हूँ डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल टी कर रहा हूँ अभी, और इसको क्लिक करके ड्रैग करके मैं यहाँ पर मूव करके यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे अगर मैं थोड़ा इसका जो स्टाइल थोड़ा अलग देना चाहूँ, उसके लिए एलिप्स पे जाके डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आके आप ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं। मैं ड्रॉप शेडो लगाया, इसके बाद बेबल एंड इम्बस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह का एक शेप आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट वाला शेप। यह सब टिक करें, और बाकी आप सबके साथ खेल सकते हैं किस तरह से, जैसे इसके साथ खेलना है आपको, जैसे इसके साथ, इसके साथ खेलना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि फेसबुक का एड्स इस तरह से बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो हमने बताया है, इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे फेसबुक एड्स। इसका मेजरमेंट हमने इससे पहले आपको बता दिया कि इस तरह से करेंगे, टू जेड आपको इस वीडियो में क्लियर हो आए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।